नमस्कार दोस्तों, मैं रवि आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल पर जिसका नाम है RK Tech World। आज के इस वीडियो में हम करने जा रहे हैं अनबॉक्सिंग और रिव्यू Motorola H20 Fusion का। जानेंगे क्या इसके फीचर्स, स्पेसिफिकेशन, सारे डिटेल्स आपको आगे देखने मिल जाएंगे। तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए। कर लेते हैं वीडियो को शुरू इस छोटे से इंट्रो के बाद। सबसे पहले इसके बॉक्स के ओवरव्यू की बात करें तो इसमें आपको कोई भी प्लास्टिक पैकेजिंग नहीं देखने मिली थी। ऑब्वियसली मैंने इसको सेटअप कर लिया है पूरा, तो इसमें सिर्फ ये दो स्टिकर के थ्रू ही कनेक्टेड था। और इसके बैक साइड का लुक कुछ इस तरीके का आएगा और सारे साइड्स में आपको ब्रांडिंग देखने मिल जाएगी मोटोरोला का। देन इसको बॉक्स को ओपन कर लेते हैं। ओपन करते ही आपको सबसे ऊपर इसका मोबाइल फ़ोन देखने मिल जाएगा जो कि इसके कवर में ऑलरेडी इंस्टॉल होकर आता है। और देख सकते हो फिंगरप्रिंट्स कितने लगे। और ये इसका मैंने फिर से स्टिकर लगाया है, तो इस तरह के कुछ स्टिकर में आता है बस। इसके ऊपर और कोई भी स्क्रीन गार्ड नहीं है, जस्ट ये ब्लैक स्टिकर था जिसके थ्रू आपको दिखेगा नहीं। और ये इसका सिलिकॉन कवर जिसके अंदर ये आता है, इसको निकाल देते हैं। फिर आपका फ़ोन का लुक आपको कुछ इस तरह से देखने मिलेगा। इसका जो प्राइमरी कैमरा है 108 मेगापिक्सल का है और इसमें भी फिंगरप्रिंट्स बहुत अट्रैक्ट होते हैं। आप देख सकते हो इसमें थोड़े बहुत आपको दिख रहे होंगे। और एक बार मोबाइल के ओवरव्यू की बात करें और इसके नीचे के साइड आपको इसमें 3.5 mm का जैक देखने मिल जाता है। टाइप सी पोर्ट दिया हुआ है चार्जिंग के लिए और यहाँ पे माइक्रोफोन देखने मिल जाएगा। और यहाँ पे स्पीकर ग्रिल दे दिया है। और इसके साइड में आपको इसका फिंगरप्रिंट सेंसर देखने मिलेगा जो कि पावर बटन में इंटीग्रेटेड है, तो आपको पावर बटन ही फिंगरप्रिंट सेंसर मिलेगा। और इसमें वॉल्यूम रॉकर्स आपको देखने मिल रहे हैं। और ऊपर के साइड आपको एक सेकेंडरी नॉइस कैंसिलेशन माइक्रोफोन देखने मिलता है। और इसके साइड की बात करें तो यहाँ पे आपको एक क्विक एक्सेस देखने मिल जाएगा गूगल असिस्ट का। और यहाँ पे इसका सिम ट्रे देखने मिलता है आपको। और इसके बैक साइड में आपको इसका कैमरा देखने मिल जाएगा जो कि ट्रिपल कैमरा सेटअप है जो कि फ्लैश लाइट के साथ आता है। हाँ, इसने भी आईफोन का ही मॉड्यूल लिया है। और इसकी एक मोटोरोला की ब्रांडिंग देखने मिल जाती है आपको बैक साइड में। चलिए बॉक्स के अंदर और क्या क्या है देख लेते हैं एक बार। आपको ये देखने मिलता है इसके अंदर कुछ यूजर गाइड्स वगैरह है जो कि आप इग्नोर ही करने वाले हो। और यहाँ पे इसका चार्जर देखने मिल जाएगा आपको, ये 30 watts का फास्ट चार्जर है। और यहाँ पे इसका USB केबल देखने मिल जाएगा, USB टाइप सी। बट इसका एक और खास बात है कि ये केबल USB टाइप सी टू टाइप सी है, तो आपको यहाँ पे चार्जिंग में टाइप सी पोर्ट देखने मिलेगा, तो ये एक और अच्छी बात है मोटोरोला की तरफ से। और यहाँ पे इसका नीचे आपको सिग्नेचर टूल देखने मिल जाता है। तो बॉक्स को कर देते साइड में, तो एक बार बूट कर लेते फोन को। जी तो ऑन करते हैं, आपको कुछ इसका क्लीन यू आई देखने मिल जाएगा जो कि स्टॉक एंड्रॉयड है। जी तो मैंने जैसे कि बताया मैंने सेटअप कर चुका ऑलरेडी। और इसका आपको हैंड फील बहुत बड़ा लगेगा, बहुत बड़े सा इसका फ़ोन है ये, तो इसके मैं आपको डिटेल्स बता देता हूँ। तो इसके डिस्प्ले की बात करें तो इसमें आपको 6.67 inches का फुल HD प्लस 90Hz का आपको एमोलेड डिस्प्ले देखने मिल जाएगा। जिसकी की ब्राइटनेस की बात करें तो ब्राइटनेस बहुत आपको अच्छा देखने मिलता है इसमें। आपको सनलाइट में भी जो स्क्रीन है वो प्रॉपर देखने मिलेगा। ये मैंने अभी फुल रखा है, कम कर लेता हूँ ब्राइटनेस। तो अगर बात करूँ इसके कैमरा की तो इसमें आपको प्राइमरी कैमरा देखने मिल जाता है 108 मेगापिक्सल का जो कि अभी ट्रेंड चल रहा है। और सेकंड आपको कैमरा देखने मिल रहा है 8 मेगापिक्सल का। और थर्ड कैमरा है इसमें 2 मेगापिक्सल का। और इसके फ्रंट साइड में आपको सेंटर पंच होल कैमरा देखने मिलेगा। आप देख सकते हो ये 32 मेगापिक्सल का कैमरा आपको देखने मिलता है। और इसके कैमरा क्वालिटी की बात करूँ तो आपको मेक के अंदर आपको अलग अलग मोड्स देखने मिल जाते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो टाइमर, एक्सपेक्ट रेशियो आपका सेट कर सकते हो आप फ्लैश ऑन ऑफ करने के लिए। और यहाँ पे 0.5x का जूम है जो कि वाइड एंगल है। चलो आपको एक फोटो क्लिक करके बता देता हूँ लाफिंग बुद्धा की। जी तो मैंने एक फोटो क्लिक कर लिया है, आप देख सकते हो। तो इसका कैमरे का सेटिंग मैंने हाई रेजोल्यूशन में रखा हुआ है, तो 108 मेगापिक्सल में ये फोटो क्लिक करता है। आप देख सकते हो डिटेलिंग जो है इसमें। मेरे रूम का लाइटिंग अभी बहुत कम है, तो उस हिसाब से भी इसका परफॉर्मेंस ठीक ठाक है, नॉइज़ ज़्यादा नहीं कैप्चर कर रहा है। तो ये जो मेरे पास वर्जन है ये आपने 8GB रैम 128GB स्टोरेज के साथ आता है। और इसके प्रोसेसर की बात करूँ तो ये डिमेंसिटी 800U के साथ आता है जो कि क्लॉक्ड है 2.4 GHz में। और इसके बैटरी की बात करूँ तो इसमें आपको 5000mAh का बड़ा बैटरी देखने मिल जाता है, तो इसके लिए आपको बैटरी लाइफ तो अच्छा मिलेगा इसमें। और इसके कनेक्टिविटी की बात करूँ तो इसमें आपको 5G सपोर्ट देखने मिल जाता है और इसमें NFC का भी सपोर्ट है। और इसमें रेडी फॉर PC का भी ऑप्शन देखने मिल जाता है आपको, जिसके ऊपर मैं एक डिटेल वीडियो बनाने वाला हूँ। आप जरूर से चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा ताकि वो वीडियो आपसे मिस ना हो जाए। या तो फाइनली अगर इसकी प्राइसिंग की बात करूँ तो ये मुझे पड़ा है 22,000 का फ्लिपकार्ट सेल में। और इसका जो ओरिजिनल प्राइसिंग है फ्लिपकार्ट में 23,000 का है, तो ये बिग बिलियन डे में 1,000 rupees डिस्काउंट में मिला है। और ओवरऑल अगर मैं बात करूँ कि आपको ये लेना चाहिए या नहीं, तो लेना या नहीं लेना वो तो आपके कंप्लीटली डिपेंड करता है। बट मेरे हिसाब से तो ये जरूर मैं रिकमेंड नहीं करूंगा, क्योंकि इसके प्राइस रेंज में आपको बहुत सारे अच्छे फीचर वाले भी फोन देखने मिल जाते हैं जिसमें प्रोसेसर भी अच्छा हो। तो आपका क्या ओपिनियन है मुझे
कमेंट करके जरूर बताइएगा ये फोन लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए ये प्राइस रेंज के हिसाब से। तो ज्यादा ज्यादा वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा और अपने सारे फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिए जिनको भी ये फोन लेने में इंटरेस्ट है। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को प्रेस कर लीजिए। तो मैं मिलता हूं आपको इस तरह के एक और वीडियो के साथ। टिल देन बाय बाय।